की पहली बार बलिए, अरे भैंसी गई डारी पड़िए। तुमसे बहुत तंग हन मिश्रा पर मिश्रा ठका ठक ठका ठक। पहले हम कहते पहली पहली बार बलिए, तो तुम कहा तो भैंस गई डारी पड़ी, काहे जासूसी लगाए खड़े हो। पहली पहली बार बलिए, दिल का यहार बलिए, रब्बा मैंने प्यार हो गया हाय, दिल का करार हो गया। जगह 21 साल की परवरिश का ये नतीजा मिला है मुझे, शायद जरूर हमारे परवरिश में कोई कमी रह गई। जो आज शिवा ने ये बात कहा है, बेटा सालू क्या ये पुलिस की नौकरी मैंने पैसा पैदा करने के लिए किया है? मैंने गुनाहगारों को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए भी किया है। बेटी सालू आज हमारे पास वो दौलत मौजूद है जो आजकल के अधिकारियों में पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हमारा जमीन जिंदा है। हमने अपना जमीन चंद कागज के टुकड़ों के लिए नहीं बेचा है, और आज सिवा पैसे के लिए हमारा घर छोड़ के चला गया। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही पैसा एक दिन कहीं इसकी मौत का कारण ना बन जाए। तुम स्कूल जाओ और मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, चलो अभी अभी हमारे बेटे शेखर का टेलीफोन आया था, कह रहा था रेड्डी जी हम बंगले पे मिलने के लिए आ रहे और फिर हमें ड्यूटी जाना है। हमारा बेटा शेखर बहुत सच्चाई और बहुत मेहनत से ड्यूटी कर रहा है, ये बात प्रिय लक्ष्मी देवी से बतला दीजिए। प्रिय लक्ष्मी देवी स्वामी जी के चरणी में बसे स्वर्गी हमारा, तुम हो मेरी अर्धांगिनी, तुम ही जी वन की दो, तुम हो मेरी अर्धांगिनी, तुम ही जी वन की दो, अभी अभी अपने बेटा शेखर का टेलीफोन आया था, कह रहा था डैडी जी हम बंगले पे मिलने के लिए आ रहे और फिर हमें ड्यूटी जाना है। अपना बेटा शेखर आ रहा है। ए मेरी माँ, मेरी मैया और तू
तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, मैं फूलू फलू बेटा, हाय तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा। माता पिता दे तो हमारे मम्मी और पापा, लेकिन मामा डैड आज हम तुम दोनों लोगों से एक बहुत जरूरी बात बता देने के लिए आए हैं। ऐसी कौन सी बात है बेटा? बहुत जरूरी बात है मेरी माँ कि अभी अभी हम कमिश्नर साहब के बंगले से आ रहे हैं। क्या कमिश्नर साहब के बंगले से आ रहे हो? कमिश्नर साहब ने हमारी ड्यूटी बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पे लगा दिया है। पता चला कि विदेश से दो गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी में नशीले पदार्थ भरे हुए हैं और एक गाड़ी में विदेशी हथियार। आज हम जाएंगे बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पर, उन गाड़ियों को पकड़ेंगे, फिर पता करेंगे कि उन गाड़ियों का मालिक, फिर कानून से ऐसी सजा दिलाएंगे, ऐसी सजा दिलाएंगे कि अपने देश में कोई गद्दारी करने का नाम नहीं। माँ मुझे आशीर्वाद दो, हम जिस काम से जा रहे हैं वो कामयाबी मैं अपने आप हासिल। बेटा तो मेरे बेटा जरा बात आई मेरी सुनो, मेरे बेटा जरा बात आई मेरी सुनो, नौकरी के लिए खतरा उठाओ।
जब मैं मर जाऊंगा तुम होना खुश बहुत मेरे के लिए शहीद हो गए, उन्हें मरा नहीं कहते। अरे वो तो अपने देश को बचाने के लिए शहीद हो गए। मेरी माँ काश अपने देश को बचाने में हमारी जान चली जाए तो तुम रोना नहीं, तुम गर्व करना अपने ऊपर और गर्व करना अपनी कोख पर कि अपनी कोख से औलाद पैदा। तुम मेरे बेटा जरा बात हाँ मेरी सुनो, मेरे सुनो, नौकरी के लिए खतरा उठाओ नहीं, होंगे अफसर बहुत आपके साथ में, मेरा दिल कह रहा घर से जाओ। अरे माँ आप क्या कहती है कि हम नौकरी के लिए खतरा उठाने जा रहे हैं? नहीं माँ, हम तो अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे और अपने देश में जब तक हमारे जिस्म पे कानून की वर्दी रहेगी हम आपसे वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि अपने जीते जी अपने देश पर आज नहीं। तो बेटा यही हमारी दुआ सोचते, बेटा हमारी दुआ बनके तारा गगन में चमकते रहो, बुद्धि माता का भंडार हो पास में, बनके खुशबू जहां में महकते। वाह मां वाह, इसलिए तो हम दिन रात ऊपर वाले से दुआ क्या करते हैं कि हमारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ। चलो एक जगह बैठ करके चाय पियेंगे और फिर हमें अदालत जाना। हेलो ये आगे हमारे भाई साहब जवाहिर, ये लखीमपुर खीरी की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार का लंबंदी नाम आप लोगों की शीट में खुश होकर भाई साहब दे। प्रिय लक्ष्मी देवी आओ हमारे साथ।
हूँ, अगर किसी ने जरा भी चुतुर बुतुर किया तो मैं कसम धुआं ही धुआं नजर आएगा। क्या नजर आएगा? धुआं। इतनी गोलियां बरसा दूंगा, इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि थर्रे पिंड वाले लखपति हो जाएंगे। हरियो, जब जब मैं इस हवेली में कदम रखता हूं तो ये हवेली मुझे काटने को तोड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूं तो कमरे से आवाज आती है, रणवीर सिंह मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो धागो साहब, इस हवेली को कोई मुल्ला मौलवी सिंह खिलाओ, किसी भूत की शाह नहीं है। मुझे पिताजी का गम और अफसोस है, चिंता है, और चिंता दूर करने का एक ही तरीका है। कौन सा है? चिंता हरण। समझे नहीं? शराब। शराब? दादा ठाकुर, आज का पहले तो शराब से बहुत नफरत करते थे और आज से इतनी पियोगे। हाँ। हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। तुम जाओ, हमारे लिए शराब का कोठर लेकर जाओ। पीने का शौक नहीं, ठीक कहते हो, पीता हूं गम भुलाने को। मुझे पी एक दिन ला जाएगा अटल मिल करके मारूंगा उसके पूरे परिवार को, एक साथ में करूं उसको। मैं अपने पिता की मौत का मौतम इस समेल में बैठ कर मनाऊं। अरे मैं दुनिया को आग लगाऊंगा। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, यह मेरा कहना नहीं है कि आप अपने बाप की मौत को भूल जाएं। लेकिन अगर आप अपने बाप के कम में इसी तरीके से मुक्ति ना रहेंगे तो आपका यह बिजनेस, आपका सारा धंधा सब यही से चौपट हो जाएगा। इसलिए वक्त है सबसे पहले अपने बिजनेस को धंधे के बारे में सोचो, उसके पास ताले उच्च से बदलो। दसाई, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह सारा शेखर मेरा जानी दुश्मन बन चुका है। कहीं हेलो, ये आगे बुद्धा बाबा यही के निवासी है, 20 रुपए पाल्टी में व्यवहार दिए, और ये आगे सूरज यही के निवासी है, 30 रुपए पाल्टी में व्यवहार दिए। दसाई, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जब तक पिताजी का सर्वास्व है
तभी से खाना पीना उठना बैठना सब हराम हो गया है। पिताजी की याद दिल में बसी रहती है। और तुम ठीक कहते हो, अगर इसी तरह से मैं पिताजी के गम में मुब्तला रहा तो जो हमारा करोड़ का बिजनेस है ये सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। दसाई तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त दसाई से मिलो और कुछ दिनों का फिर ट्रांसफर मुरादाबाद चेक चौके के लिए करा लो, और जिस समय हमारी गाड़ियां गोदाम में आ जाए मेरे पास फोन करोगे। ठीक है, तुम्हें 50,000 रुपए। ठीक है, मैं भी जाकर कमिश्नर से मिलकर और यहाँ से ट्रांसफर ले लेता हूँ। हमारे वो शेर दोनों ड्राइवर गाड़ी लेकर के गोदाम में पहुंचे, तत्काल मेरे पास टेलीफोन करना, क्योंकि वो दोनों शेर है। शेर है, बबल शेर है। दादा हाँ, अरे दादा गजब हो गया। हम दोनों ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे बरेली मोर्चा बहुत बरेली मोड़ के पास। शेखर श्रीवास्तव ने दोनों गाड़ियों को पकड़कर चालान कर दिया दादा। हरिया हरिया हरिया, क्या सोच कर आए थे सारे कि दादा ठाकर को जाकर बताऊंगा दादा को शाबाशी देगा। शाबाशी फिर 10 सालों की लाश को घर खाए घर छका गई। शेखर श्रीवास्तव साले हराम चादे, तुझे एक दिन कुत्ते की मौत ना मारो तब मेरा नाम कितने नौकर हैं सबको अच्छी प्रकार बतला दो, कोई साला शुभ समाचार नहीं सुनाएगा। तुम चाहते की ड्यूटी कोई शिवा नाम का लड़का आपसे मिलना चाहता है, आपसे कोई संपर्क है? नहीं, कोई पुलिस का मुखबर तो नहीं है। मुखबर तुम जाओ से अंदर लेकर के आओ। बैठो भूरी दादा ठाकुर दीजिए कोई छोटा नाम, काम मेहनत से करूं रोशनी कर दूं। हमेली में कितने नौकर थे? आज तक किसी ने हमारा नाम रोशन नहीं किया। जितने आए उतना शुभ समाचार सुनाया हमने सबको मुल्क के। आए कहां से तुम यहां, साफ करो इधर, रहते हो तुम किस जगह, किसके हो तुम, कहां के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या नाम? तो नाम मेरा शिवा है। सुनो दादाजी, छोटी सी नौकरी मुझको दे दीजिए और काम मेहनत ईमानदारी क्यों नाम है शिवा? हमने तेरे बाप का नाम पूछा, तेरी आंखें से सुन जब लगा भाई, कहीं तो अपने बाप की बिगड़ी होना तो नहीं जो तेरे बाप ने अपनी दौलत से तुझे बेदखल कर दिया? नहीं दादा, मेरी माता पिता का कार हादसे में मौत हो गया, मैं बहुत छोटा था तभी से मैं दर्दर की खाक छानता हूँ, अनाथ हूँ दादा। आपके पास नौकरी और रजवीर सिंह के पास नौकरी कर रहा है। हाँ दादा, यही नादान बच्चे। जी दादा, तो कौन थी नौकरी करने के तत्पर हो? काम में मेरा खतरा है, तो
जमीन कर तुम कर ना सके जान चाहे चली पहले की नौकरी का आशा नहीं खतरे से खेलना जान जा सकती है मरने की परवाह और है मुझको नहीं जीने मरने और की परवाह है मुझको और नहीं काम कोई भी हो पैसा ज्यादा मिले सेठ बनने की दिल में और तमन्ना लिए अंजाम कोई भी हो इसकी खतरे से खेल सकता है के लिए जान दे सकता हूँ एक दूसरे की जान ले सकता हूँ सिर्फ पैसा चाहिए दादा हेलो यादे जवाहिर ये लखीमपुर की खीरी की तरफ से एक लंबंदी नाम ये भैया सिवर तुम्हारे लिए आज क्या कहना मत समझदार से तो रघुवीर का बॉडीगार्ड थे और रघुवीर के परिवार का एक सदस्य शिवा का नाम रेज पर लिखकर हमारा काम बतला नौकरी करने आए हो वफादारी ईमानदारी से ज्यादा वफादारी ना जताए इनका जैसे कोई मारा आ रहा पहले दादा से बताना चाहिए बताइए हो इनका तुम बताए बाती पाई हो या तुम्हें पहले मार दे हाँ तुम कैसे नौकरी करते हो हम नमक हरामी करते हैं क्या नाम है शिवा कुमार है कुमार है चले जाए नाम हो गया शिवा चले जाए जाबाज के कपड़े पहनो कलाबाज ही जाबाज साले उल्लू के पट्टे बहादुर के कपड़े पहनाओ शिवा को ले जाओ मेरा खास रिवाल्वर दे दो जाकर नहीं